हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब अच्छे से होंगे। क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि सेक्शन सी है। इस पे आपको दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में, जो कि टर्म वन में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अगर इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कंप्लीटली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन को मैंने बना रखा है, जाओ यार आराम से देख लो, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 45 तक के में क्वेश्चंस को बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड केस स्टडी बेस्ड को देखेंगे। फिलहाल क्या है? फिलहाल एक केस स्टडी नंबर वन है, द फिगर गिवेन अलोंग विथ शो द पाथ ऑफ द डाइव्स व्हेन सी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, क्लियरली इट इज़ अ पैराबोला। तो अभी पैराबोला के बारे में ऐसे तो आप लोग को बताया गया नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझेंगे कि इस शेप को हम लोग पैराबोला शेप बोलते हैं। तो ऐसा हमें कुछ दिया हुआ है नहीं, एक एनी नाम की लड़की है जो डाइविंग बोर्ड पे खड़ी रहती है, जो सी मतलब जो वाटर लेवल है उससे ऊपर है 48 फीट। बस इसको आप नोट करके रखेंगे कि जब वो जंप करती है तो वहाँ से जो हाइट होता है वो 48 फीट होता है, ठीक है। उसके बाद हमें इक्वेशन दिया हुआ है कि एच टी मतलब जो हाइट का इक्वेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमें दिया है -16t² + 8t + k, ठीक है। ये हमें गिवन है और इसके बेसिस पे हमें 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। ऐसे तो हमें सॉल्व केवल 4 ही करने थे, लेकिन हम 5ों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपको इजी लगे आप एग्जाम में उसे करके आओगे, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, फिर व्हाट टाइम विल सी टचेज द वाटर इन द पूल, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं, चलिए हम लोग बोर्ड पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि हमें इक्वेशन गिवन है। कितना इक्वेशन गिवन है लिख लें इसे हम लोग यहाँ पे। इक्वेशन गिवन है हमें एच टी इक्वल टू -16t² + 8t + k, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। यहां से हमें के का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो एक सपोज कीजिए एक पॉइंट जहां पे t = 0 है। जब 0 है मतलब टाइम जब हमारा 0 है, यानी कि एनी जो है एनी जो भी बोलिए, ठीक है, वो अभी जंप करना स्टार्ट नहीं किया है, जंप करना स्टार्ट नहीं किया है मतलब वो अभी क्या डाइव करना स्टार्ट करने वाली है, मतलब वो यहाँ पे खड़ी है। और हमें यहां से दिया हुआ है कि सी लेवल से जो उसका डिस्टेंस है, जो सी लेवल से डिस्टेंस है वो कितना है, बिल्कुल कितना दिया है 38 फीट हमें गिवन दिया हुआ है। मतलब जब टाइम टी है उस टाइम हाइट हमारा कितना होगा, 48 होगा ना। ओहो, जब टाइम इक्वल टू जीरो होगा, जब टाइम इक्वल टू जीरो होगा तो मतलब इसके ऊपर खड़ी होगी। तो अभी अगर उसका डिस्टेंस निकाले वाटर लेवल से तो कितना होगा, 48 फीट ही होगा ना। तो अगर हम लोग जब टाइम इक्वल टू टी ले उस टाइम से एच टी कितना होगा, उस टाइम एच टी आपका होगा कितना, 48 है ना, कितना होगा 48 होगा। फिर अगर हम लोग टी का वैल्यू जीरो पुट कर दे तो -16 × 0 तो ए तो हमारा जीरो हो जाएगा, प्लस ए जीरो हो जाएगा, तो प्लस के, यानी कि के का वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है कितना है, 48 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई इशू है, कोई इशू है इस क्वेश्चन में, क्या था एकदम छोटा सा हमें पार्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जब जीरो टाइम होगा उस टाइम हाइट जो होगा 48 होगा, सब जगह जीरो पुट कर लीजिए, के का वैल्यू आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। सेकेंड क्वेश्चन भी देखिए क्या है, एट व्हाट टाइम विल सी टचेस द वाटर इन द पूल। मतलब क्या है कि जो हमारा क्या है यहां से डाइव करना शुरू करती है, अभी इसका हाइट कितना है सी लेवल मतलब वाटर लेवल से, सॉरी सी लेवल याद आ रहा है मेरे को, वाटर लेवल से हाइट कितना है 48 फीट है ना, 48 फीट है। अब ये क्या करती है, यहां से ऐसे डाइव करना शुरू करती है और जाकर यहां पे डाइव कर लेती है, ठीक है, मतलब यहां से डाइव करके यहां पहुंच गई। अब इसका हाइट कितना होगा जब ये उसको टच कर ली, अब इसका हाइट कितना हो गया, हाइट जीरो हो गया, मतलब जब उसको टच करेगी तो जो हमारे पास इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन था एक बार फिर से लिख लें, एच टी इक्वल टू -16t² + 8t + k, यही था ना, एक बार मैच कीजिए, हाँ बिल्कुल यही था, ठीक है। यानी कि जब उसको टच कर लेगी उस टाइम हाइट इसका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना भाई। फिर से एक बार, जब स्टार्टिंग में जंप करना शुरू की, अभी तो टाइम जीरो है, टाइम जीरो है, अभी तो इसको टच की नहीं है, फिर यहां से जंप करेगी, जैसे उसको टच करेगी तो हाइट तो हमारा जीरो हो जाएगा, हाइट जीरो हो जाएगी क्योंकि यहां से यहां तक हाइट 48 जरूर था, लेकिन जब टच कर दी तब तो हाइट हमारा जीरो हो गया। यानी कि जब उसको टच करेगी उस टाइम हाइट कितना होगा, जीरो होगा। तो हमारे पास है कितना, 16t² + 18t + k, के का वैल्यू अभी तो हमने निकाला है 48, निकाला है ना इससे पहले के का वैल्यू 48। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, माइनस में इसको पकड़ के लाते हैं प्लस में, है ना, इसको पकड़ के लाए, कंफ्यूज नहीं करेंगे, प्लस और टी में, टी में थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, यहां थोड़ा मुड़ा हुआ है, मेरे लिखने का तरीका है, ठीक है, प्लस में इधर आया तो माइनस में,
माइनस 8t, फिर माइनस 48 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, 8 सबके पास है, 8 कॉमन निकालें तो 8 कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो, टी स्क्वायर माइनस टी और यहां पे आया माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। बहुत अच्छी बात है। अब यहां देखिए, मैंने जोश जोश में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 8 2 16 होता है ना, हो जाता भाई, हो जाता है, मैं भी बच्चा हूं यार तुम लोगों की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 2t स्क्वायर, अब 6 2 12 हो गया। अब मिडिल टर्म स्पीड मैथड तो सबको आता है, तो क्या होगा, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो, समझ गया ना, 4 3 12 और ये भी 12। ठीक है, यहाँ पे माइनस का था इसलिए बड़े वाले नंबर के पास मैंने माइनस का साइन रखा है। 2 2 दोनों के पास 2 कॉमन, टी टी दोनों के पास टी कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, दैट इज टी माइनस 2। यहाँ पे 3 3 दोनों के पास तो प्लस 3 कॉमन, तो क्या आ गया, टी माइनस 2। इतना आ गया, कोई इशू है अभी तक, कोई इशू है नहीं, है ना, नहीं है ना। अब टी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, चलिए टी का वैल्यू फाइंड आउट करते, एक हो जाएगा हम लोग का, एक हो गया हम लोग का टी माइनस 2 और एक हो गया हम लोग का 2t प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। एक बार हम लिख लेंगे टी माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो और एक बार रख लेंगे 2t प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस में उतर गया तो प्लस में, और t इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 3/2। कोई फर्क पड़ता है इससे, माइनस रहेगा, टाइम का भी माइनस हो सकता है, माइनस में काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो t इक्वल्स टू कितना है, 2 सेकंड, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई इशू है क्वेश्चन नंबर 42 में, देख रहे बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, इसका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल रहा है। नहीं सर, बहुत हार्ड है, आप ही जानते हो, बहुत सॉल्व कर लिए एक बार पहले, इसलिए बड़ा हीरो बन रहे हो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। अब हमको इस फिगर से कोई मतलब नहीं है, 43 44 और 45 में, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, देखिए क्या है, रितोज हाइड एक नई लड़की आ गई, ठीक है, बर्बाद किया, ठीक है, परेशान किया, मतलब पीटी जीरो, दो जीरो हमें गिवन है, तो पीटी हमें इक्वेशन बताना है कि क्या होगा जब दो जीरो रहता है, तो हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है, जब दो जीरो गिवन रहता है तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं और वहां से इक्वेशन बना देते हैं। यही ना होता है भाई, यही ना होता है, हम लोग को एक जीरो अल्फा दिया है, लेटा सपोज माइनस 1, और हमें दूसरा जीरो बीटा दिया हुआ है कितना 2, तो हमें इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता था, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो, कहीं जीरो नहीं दिया है, तो चलिए छोड़ दीजिए, इतना ही तक रहने दीजिए, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं के से। अब बोलोगे सर सर आज तक तो हमने पढ़ा ही नहीं के से मल्टीप्लाई होता है, मतलब हो सकता है कि कुछ कॉमन निकाल के बीच वाला हो, कुछ कॉमन निकाल के दे दिया हो, अगर नहीं दिया है तो के का वैल्यू 1 रहेगा, अगर कुछ कॉमन निकाल दिया है, जैसे कोई इक्वेशन रहता है कुछ कॉमन निकला हुआ रहता है, तो हम लोग अंदर के पार्ट को नहीं जान रहे, कॉमन क्या निकाले इस पार्ट को नहीं जान रहे। जैसे इन लोग दोनों देखिए कोई कॉमन नहीं निकला, लेकिन इन लोग दोनों में कहीं ना कहीं 24 सब में है, तो कॉमन तो निकला होगा ना, तो के ले लेते हैं, अगर नहीं होगा तो ठीक है, अगर हो जाएगा तो, अगर हो गया तो भी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ले लीजिए, ये तो टी के टर्म में है, तो हम लोग क्या करें, इसको टी के टर्म में लिख लें, एक्स एक्स लिख के आदत हो गया, एनसीईआरटी ना, एक्स एक्स करके आदत बना दिया है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, के इंटू टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 प्लस 2, तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा ना भाई, 1 होगा ना, 2 माइनस 1 तो हमारे पास 1 इंटू टी, तो टी प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस 1 इंटू 2 तो कितना हो गया, -2, है ना, इतना हमारा हो गया। अब यहां पे आपको ध्यान दे रहा है, अब हर एक जगह आपको जाना नहीं कि इसमें होगा कि नहीं, इसमें होगा कि नहीं, ये तो हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये तो आंसर होगा नहीं, मतलब इन्हीं लोग दोनों में चल रहा, तो अब क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए इन लोग दोनों का साइन आपको सेम दिख रहा है, साइन सेम दिख रहा है ना, अगर इसे प्लस से मल्टीप्लाई करें तो भी इन लोग दोनों का साइन सेम रहेगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो भी दोनों का साइन सेम होगा, नहीं सर ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो दोनों प्लस प्लस ही होगा ना, तो साइन हमारा माइनस माइनस दोनों रहेगा या फिर प्लस प्लस दोनों रहेगा, यानी इन लोग दोनों का साइन कभी चेंज नहीं हो सकता है, तो क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, इन लोग दोनों में देखिए साइन सेम है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आप निकालोगे यहां पे कॉमन -24 तो भी आपको यही चीज आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए हमने यहां पे के कांस्टेंट लिया था कि अगर निकाला होगा तो भी हमें कोई इशू ना रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 अच्छे से समझ में आया, नेक्स्ट पर मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, पॉलीनोमियल क्यूटी विद द सम ऑफ जीरो इतना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इतना, मॉडलिंग अनुज हाइट। 2-3 लड़की लोग है ना इस क्वेश्चन बहुत परेशान कर रही है। वाटर एनी टाइम टी, हाँ वही हमें इक्वेशन ही फाइंड आउट करना है, इससे पहले हमें 2 जीरो दिया हुआ था, यहाँ पे डायरेक्ट हमें सम ऑफ जीरो दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है कितना 1 है,
अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है दैट इज -6 है। तो हमसे पूछ रहा है इक्वेशन बताइए, हम लोग जानते हैं यार के इंटू टी के टर्म में है, तो लिख देते हैं टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। इतना होता है के अगेन कोई कांस्टेंट होगा तो निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, तो के इंटू टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रहने दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू वन, वन इंटू टी दैट इज टी, अल्फा इंटू बीटा -6 तो प्लस माइनस माइनस तो -6 हो गया। क्या कोई मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। अगेन इसका और इसको साइन इक्वल है, तो पकड़िए इसका इसका साइन कहाँ है, यहां यहां दोनों इक्वल है, यहां तो इक्वल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल सा था, कितना सिंपल सा था। बोलिए अब इस टाइप से क्वेश्चन पे कभी इशू होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना एंड इतना इतना आर नेगेटिव टू ईच अदर देन केस। मतलब क्या है कि जो जीरोज होता है, जैसे एक को हम लोग लेते हैं अल्फा, एक को लेते हैं हम लोग बीटा, तो अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा जो होगा माइनस अल्फा होगा। मतलब क्या हुआ कि हम लोग का तो जो जीरो है वो निगेटिव है एक दूसरे का, तो अगर एक को हम लोग अल्फा लेते हैं लेट जीरोज एक को अगर हम लोग इतना लेते हैं अल्फा लेते हैं देन सेकेंड क्या होगा माइनस अल्फा होगा। मतलब एक हम लोग का अल्फा होगा दूसरा उसका नेगेटिव होगा, अगर एक बीटा होगा तो दूसरा नेगेटिव बीटा होगा। और हमसे क्या बोल रहा है कि के का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां बी बी बाई ए, बी बाई ए कौन सा होता है? सम ऑफ जीरोस। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, यही होता है ना माइनस बी बाई ए। तो एक है अल्फा और दूसरा भी हमारा क्या है माइनस अल्फा, बीटा का भी वैल्यू कितना है माइनस अल्फा, इक्वल्स टू हमारा हो गया माइनस बी बाई ए। ये तो हमारा जीरो हो गया माइनस बी, बी के प्लेस पे क्या है ए है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, टी के प्लेस पे टी दे दिया है। तो हम लोग लिखेंगे माइनस कितना के माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ए, ए के प्लेस पे वैल्यू कितना है दैट इज माइनस ट्वेल्व, कितना है माइनस ट्वेल्व। आगे क्या होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आ गया माइनस के माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो माइनस के इक्वल्स टू प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो इस हिसाब से के इक्वल्स टू थ्री आया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली सम ऑफ जीरो, अब आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्यों नहीं फाइंड आउट किया सर, अल्फा इंटू बीटा उससे भी तो फाइंड आउट कर सकते थे, इसमें जीरो हो गया बहुत सिंपल से निकलना चाह रहे थे आप, तो आप अगर उससे भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर सेम ही देखने को मिलेगा के इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, सबसे पहले अल्फा का वैल्यू निकाल लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा स्क्वायर होगा ना माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए आ जाएगा माइनस फोर आ जाएगा, तो वहां से अल्फा का वैल्यू आपको मिल जाएगा, और एक बार अल्फा का वैल्यू मिल गया तो फिर आप तो वैल्यूज को फाइंड आउट कर ही सकते। तो ये था आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर वन, जिसका आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको सिंपल और इजी फॉर्म में अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने उसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस टू, जो कि 46 से लेकर 50 तक है, वो भी बहुत सारा सिंपल है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ यार चैनल के प्लेलिस्ट पे, या फिर आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, जाओ हर एक क्वेश्चन को आप देख सकते हो।